Uy, qué cara que te di ahí. नमस्कार प्रणाम सबको के जितना भी लोग लाइव देखता लोग और लाइव में जुड़ल बनी भैया लोग सबसे बात करे खातिर लाइव है नहीं है कुछ विशेष मकसद और जरूरी बात रहा काल के वीडियो देखनी है वो दू जना बा लोग भोजपुरी के धाजा लेकर दौड़े वाला वो बेवजह के भोजपुरी के सबसे गंदा और सबसे गंद फैलाने वाले वही दोनों लोग हैं और जितना भी खेसारी भैया के फैन लोग बा लोग और जितना भी भोजपुरी के पब्लिक बा जी हमनी के गाना के सुने ला जी हमनी के मोहब्बत करे ला चाहे जी हमनी के माने ला सबको इसे हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई विनती बा कि एक सिर्फ खेसारी लाल यादव का यहाँ पे कभी गाली कभी उनकी बेटी को गाली कभी उनको गाली कभी उनके बीबी को गाली कभी उनके राइटर को गाली कभी उनके मैनेजर को गाली कभी उनके साथ काम करने वाले वो लोग को गाली सबको लोग गाली गाली देते जा रहे हैं और इसका अगर हम लोगों की गलती उन लोगों के नज़रों में मान के चले तो हम लोगों का ज़्यादा बजना है पहला गलती हमने की है कि पब्लिक के प्यार मिला था आज अगर भोजपुरी पूरा भारत में दूसरा नंबर पर सर्चिंग में खेसारी लाल यादव बने तो उससे हमने के भोजपुरी के नाम रोशन होता ना कि हमें खेसारी लाल यादव के नाम रोशन होता ना हमें हमारा नाम होता ना हमें और बाकी केहू के होता उससे हमारी भोजपुरी भाषा के जो नाम बा ऊपर होता अरे यार कौन है पूरे देश में अगर कोई सर्च करता होगा देखता होगा तो बोलता होगा अरे कौन है अरे ये भोजपुरी का कोई स्टार है वहाँ हमारी भोजपुरी बड़ी होती है बताइए तो ये हमारे भोजपुरी के लिए सबसे गर्व की बात है सबसे बड़ी बात है कि हमारा भोजपुरी खाती ये चीज हो रहा बा और इतना दिन से आदमी चुप रहा हन इतना दिन से गाली देते गए आदमी सहते गया बर्दाश्त करते गया अब तो या एगो नया नियमे चल ले बा कि हिट होके के बाद सोशल मीडिया पर तो खेसारी लाल यादव के गाड़ी दे दो अखिलेश कश्यप के दे दो और ना तो फोन करके गाड़ी दे दो तो ये बा हमें कल रात के लाई भा के इतना गंदा गंदा गाली दिया है सब तो आप लोग अब जगिए और आप लोगों को आप लोग कितना मोहब्बत करते हैं खेसारी लाल यादव से ये अब बताना जरूरी हो चुका है क्योंकि हम लोग कितना दिन बर्दाश्त करेंगे अपने सुपरस्टार को कोई सरेआम गालियां देता है बिल में छुप के नजरों में नजरों डाल के बात करना चाहिए तो आप लोग बस हम आप लोग से यही कहेंगे ये लोग जात पात के बीच में लड़ाई करवाता है लोग जात पात के नाम दे के कि राजपूत ये हैं तो ये जादू हैं तो ये वो हैं हमेशा बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहता है लोग कि बैकवर्ड हैं वो तो वो जादू हैं तो वो छोटे कास्ट के लोग हैं हम राजपूत हैं तो राजपूत के गाना अरे यार भोजपुरी में यार भोजपुरी भाषा में सबसे बड़ा चीज भोजपुरी जौन भाषा वो मिठाई की चीज है एकरा के हर जाति के लोग सुनेला हर जाति के लोग इंजॉय करेला गाना पे लेकिन ये लोग तथा कथित जितने भी लोग हैं जिनके लिए तुम लोग लड़ रहे हो आज देख लो स्थितियां क्या आ गई है भोजपुरी के पब्लिक प्यार देता है यानी कि ये बाकी गाना बाजे लगता एगो लड़की बोल दे रलिया तो ओकरा खातिर भोजपुरी के सब कोई जितना धाजा लेके दौड़े वाला रहा हन भोजपुरी के सिनेमा से लेके गायक से लेके कॉमेडियन से लेके कुछ कॉमेडियन लोग तो यूट्यूबर हो गए बा लोग जाना में बता सच जगह ना पहले बा सिर्फ क्या बिगाड़ा है उस इंसान ने खेसारी लाल यादव सिर्फ हमेशा उसी का विरोध होता है अरे यार मेहनत करिए आप भी बचिए विरोध करके क्या कर लीजिएगा किसी का आपके विरोध करने से खेसारी लाल यादव पीछे हो गए गाना नहीं बजा सबसे ज्यादा लग रहा है कि 2022 में उन्हीं का गाना बज रहा है अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि खेसारी जी से ज्यादा कोई गाना किसी का बज रहा होगा रोड से लेके गांव से लेके शहर तक कहीं भी
कितना दिन चुप रह जाओ भैया बताबो आप लोग, बहुत दिन से आदमी चुप ही चुप सा एकदम शांत बानी हम एकदम कुछ नहीं खन बोलत आदमी। जात पात में बांट के रख दिया है भोजपुरी को कि ये जादव के फैन है, ये जादव लोग जादव को सुनेंगे, राजपूत लोग राजपूत को। अरे यार क्या ये सब, पूरे भोजपुरी को एकदम गंध फैला के रख दिया तुम लोग। जब से वीडियो बनाना चालू किया क्या क्या किया नहीं तुम लोग का कुछ रास्ता मिला तो उठ के भोजपुरी के लोगों को ही गाली देने लगा। तो आप लोग इतना प्यार दे दीजिए अपने हिट मशीन को। और आज देखनी है तो बड़ी तकलीफ लागल है बहुत, केहू के माई बहन बेटी तुम्हारी भी बेटी है यार, क्या किसी की बेटी को गाली देते हो तुम लोग। हमारे और तुम्हारे लड़ाई में माँ बहन का क्या इसमें गलती है, यही गलती है कि तुम्हारे जैसे नालायक को पैदा कर दिए इस धरती पे, हर दिन माँ बहन की गालियां देते रहते हो, नाश कर दिए पूरे भोजपुरी को तुम लोग थोड़े से फायदे के लिए। अरे पैसा रुपया ना रहे तो चांदा लगा दिल रही तो सब कोई दे दिए कुछ कुछ चांदा अपन काम कर दलो, नाश करके रख दिया पूरे भोजपुरी को। कितना प्यारा भोजपुरी था, इतना अच्छा लगता था इसमें, लेकिन दो भागों में बांट दिए हो तुम लोग भोजपुरी को, राजपूत जादव राजपूत जादव। अरे यार, और जितना लोग बालोगे में देखनी है कि एक सोम्या पोखरेल नाम की लड़की आई और वो सिर्फ बोल दी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, यही पर भोजपुरी के सब कोई के मुंह खुल गई, सब कोई पर कुछ न कुछ जेकरा नहीं बोले आवत रहा वो दो शब्द प्रतिक्रिया दे दिल अब सरेआम गारी देता हूँ सब कोई तार लोग के मुँह में छेद नहीं खे, खाली खेसारिये एगो तू लोग के दुश्मन बने, खेसारिये ले तार लोग के इंटेंशन रहला। अरे यार भोजपुरी परिवार है यार, कब तू लोग समझबो, ज्ञान बांटने लगते हो क्या। सोम्या पोखरेल बोल दी काट देंगे, सोम्या पोखरेल आ जाएगी इंडिया तो अब तार लोग का नहीं क्या दिमाग वा खुला, तब तार लोग के मुंह में आवाज नहीं खे कि तू लोग अब कहे नहीं खा बोला। अभी वो तार लोग के बोले के चाहिए कि दो दो इंसान आके कल पवन सिंह को गाली देता है, कभी खेसारी लाल यादव को दिन रात गाली देने लगता है। तुम लोग गाड़ी के करा ना देवे, हमारा तो बुझाता है कि दो मिनट में हम दे अल्लाह गाड़ी दे दे, लेकिन हम अपनी गरिमा को समझते हैं कि हमारी गरिमा क्या है, हमारा संस्कार क्या है। तुम लोग का नाम नहीं लेते हैं, तुम लोग तो यही चाहते हो कि माँ बहन की गाली देंगे तो हम लोग नाम लेंगे तो तुम लोग हिट हो गए का। तोहनी क्या बोला रे, तोहनी के भोजपुरी में का योगदान भरे, तोहनी के का कैले बड़ा सन भोजपुरी में आज तक, खाली लाइव के वीडियो बनैले बड़ा सन आ लड़वैले बड़ा सन, ये तोहनी के योगदान बा। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं आज हम जितने भी खेसारी भैया के फैन हैं, जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि इन लोगों का विरोध कीजिए, इन लोगों का भरे बाजार में चौक चौराहे पे इन लोगों का विरोध कीजिए कि ऐसे लोग भोजपुरी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोग भोजपुरी की गरिमा को गिरा रहे हैं। जो सरेआम लाइव है कि माँ बहन की किसी का गाली देता है वो अश्लीलता का विरोध कहाँ से कर सकता है। हाँ साफ सुथरा गाना बाजो था कोको कोला काहे ना कौन जाना, खजरा गाना बज रहा है, सैड सॉन्ग बज रहा है, काहे नहीं तुम लोग बोल रहे हो। साफ सुथरा गाना के तुम लोग सपोर्टर हुए हो, अश्लीलता भगाने आए हो, अश्लीलता नाश करके रख दिया पूरे भोजपुरी में। पूरा तहस नहस कर दिया। जाने दीजिए आप लोग, ये जितने भी लोग हैं और कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो मौका का फायदा उठाते हैं, तो प्लीज भाई आप लोग जब हमारे पास भी आके इंटरव्यू लेते हैं, जिसके मुंह पे जाते हैं वैसा आप लोग बात करते हैं, तो प्लीज प्लीज आप लोग इतना उन लोगों के बारे में इतना सच्चाई बताइए, लोगों को पब्लिक को बताइए कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ खेसारी लाल यादव से विरोध, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी के मुंह में छेद नहीं है कि इस पे बोले, भोजपुरी इंडस्ट्री तो ऐसे ही मुर्दा हो चुकी है। ये लोग सिर्फ खेसारी लाल यादव को जो गाली देता है उसको सपोर्ट करते हैं, लोग साहस देते हैं, इसी में हमारा भोजपुरी आज कहाँ चला गया देख लीजिए आप लोग। आज अगर दिन रात मेहनत करके लोग हम लोग यहाँ तक कर रहे हैं, तो ये लोग कम से कम आप लोग इतना बता दीजिए, और इस बार ये लोग भी सबक सीखिए जाएंगे कि कितना दिन अब अगर हम लोग चुप्पी तोड़ दिए हैं तो अब इनका जवाब हम लोग बहुत जल्द देंगे, इन लोगों से इन लोग का जवाब मिलेगा। और ये
ये लोग जो कर रहे हैं आप लोग जितने भी खेसारी भैया के फैन लोग हैं प्लीज आप लोग अब आप लोगों को जगने का समय आ गया है। आप लोग प्लीज अब ऐसे लोगों का जवाब दीजिए जो लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को कोई अपने काम में व्यस्त है, जब भी मन करता है तब लाइव आकर फिर बिल में छुप जाना है। अरे मर्द आदमी वो होता है जो सामने से आके बात करता है, आंखें में आंखें डाल के बात करो ना, कोई कहीं भाग थोड़ी रहा है यार। अगर मान लो हमसे तुम्हारा इंटेंशन है, दिक्कत है, कभी इसको गाली कभी उसको गाली, पूरे भोजपुरी को तहस नहस करके फेंक दिया तुम लोग, सिर्फ खेसारी लाल यादव से प्रॉब्लम है तुम लोगों को। तुम लोग जिनके लिए गाली दे रहे हो, जिनके लिए गलिया रहे हो, जिनका समर्थन कर रहे हो, आज देख लो फासला भी देख लो ना, एक बार मिला लो तो पता चल जाएगा। जहर घोल दिया है राजपूत लोगों के दिमाग में, क्या तो ये लोग राजपूत लोग हैं तो राजपूत लोग हमारे, अरे यार एक बार मिल के बैठोगे तब पता चलेगा कि हम लोग जातिवाद करते हैं कि क्या करते हैं। एक बार सामने आओ, कभी मिलो मेरे से बैठो, उसके बाद में हम लोग आजीवन किसी को रेस्पेक्ट ही दिए हैं, इज्जत ही किए हैं, अब के मुँह के बिली में पानी डरबो तो लास्ट में तब अब एन हुई। लव यू भैया, आप सबको लव यू, आप लोग ऐसे ही अपने हिट मशीन को प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय हो भाई लोग सबके, लव यू। आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए अपने खेसारी लाल यादव को कि उन्हें कहीं से यह ना लगे कि वो कमजोर पड़ रहे हैं। और आने वाला वो हर प्रोजेक्ट, अभी राउडी इंस्पेक्टर का टीजर आया है, ट्रेलर आया है, उसको इतना प्यार दे दीजिए। इन लोगों की बेचैनी इसलिए बड़ी है कि अभी लगातार जो दो तीन गाने आए सब के सब सुपर डुपर हिट आप लोगों ने करा दिया। पूरे भारत में दो नंबर पे खेसारी लाल यादव सर्च होते हैं, पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे। तो ये हमारे लिए, भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप लोग ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गाली भी देते हो यार किसी को, हमारे तुम्हारे लड़ाई में हमारी माँ बहन की, हमारी बेटियों का क्या योगदान है भाई, उन लोग को तुम गाली देते हो। कचड़ा कर दिए भोजपुरी को, एकदम कराह रहा है भोजपुरी तुम लोगों की वजह से, दिन रात गाली गलौज। तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, दूर दूर से कोई रिश्ता नाता नहीं, ना तुम्हारे से कभी बात है ना कुछ है, दिन रात गालियाँ गालियाँ गाली देते रहते हो तुम लोग। जितना भी लोग बा भैया, आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार दीजिए। तुम्हारा भी पूरा बैकग्राउंड पता है, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे यार, हम लोग से इतना नीच काम होगा ही नहीं कि लाइव आके हम किसी को गाली देंगे, किसी को अभद्र बोलेंगे, वो हमारे खून में ही नहीं है। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहिए। और आज कानूनी कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं और आप लोग का सहयोग चाहिए उन लोगों का। अब जवाब सरकार देगी, क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा खेसारी भैया ने बिहार सरकार से अपील किया है, इसमें आप लोग मदद करें कि इस तरह से भोजपुरी कलाकार के, केहू कलाकार के लोग गलत बोले से पहले 100 बार सोचा। और मुझे बिहार सरकार पे बहुत भरोसा है कि हम लोगों के साथ इंसाफ होगा, इन लोगों की बहुत जल्द गिरफ्तारी हो, हम लोग इसकी मांग करते हैं सरकार से। तो आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद प्यार देते रहिए अपने हिट मशीन को। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम लोग जिएंगे तब तक हिट मशीन के साथ रहेंगे। वो गलती से किसी भाई ने उनका मोबाइल से ब्लॉक कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग अनफॉलो करेंगे और हम लोग दूर हैं। इंदल कुमार अतना मारव धारा जीवन हूँ ठहा जीवन। यानी के कुछ नहीं के मिलत,
हमारे दिन भर उल्टा पुल्टा। जाने दीजिए, आप लोग गाली मत दीजिए, आप लोग सलीके से रहिए। गाली देंगे तो उन लोगों में हम लोगों में फर्क क्या रह जाएगा। हमारे हीट मशीन ज्यादा बजते हैं, हम हमेशा उनसे बोलते हैं कि आपका ज्यादा बजना ही दुश्मनी करा देता है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अभी लाइन से जितने लोग इसमें अभद्र तरीका से कमेंट कर रहे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाइए आप लोग, नहीं तो लाइन लाइन से सब पे कार्रवाई होगा भाई। अब हम गाना बजाना छोड़ के यही में लागल बनी। तो ऐसे ही आप सब आशीर्वाद प्यार देते रहिए। आप लोग अपने हिट मशीन को इतना आशीर्वाद प्यार दे दीजिए। सारे गामा हम भोजपुरी से आज आ रहा है बहुत तगड़ा गाना 2 तारीख को, तो आप लोग तैयार रहिए। बहुत सुपर हिट गाना है, बहुत लाजवाब शूटिंग हुआ है, साफ सुथरा गाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों का पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटता है। इन लोगों का फूटना निश्चित हो चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, इन लोगों का अंत होने वाला है। ये लोग अब फुटफुटा ले जितना फुटफुटा रहे हैं। आप लोग बस इन लोगों का विरोध कीजिए, अपने हीट मशीन का साथ दीजिए। आप लोग ऐसे ही, ये लोग भोंकते रहेंगे, आपका हीट मशीन ऐसे ही बजते रहेगा। चलिए आप लोग से बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी, लव यू आप सभी को।